भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर। यह दक्षिण में पहुंच नदी के तट पर बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थित है। इसे बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। झांसी शहर के मध्य में एक बड़े पहाड़ी की चोटी पर स्थित ये है झांसी का किला। झांसी का किला 17वीं शताब्दी में ओरछा के राजा वीर सिंह जयदेव द्वारा बनवाया गया था। इस किले ने 1857 की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में हुए भीषण युद्ध का साक्षी रहा। यह किला 15 एकड़ में फैला हुआ है और इस विशाल संरचना की लंबाई लगभग 312 मीटर है और चौड़ाई 225 मीटर के करीब है। किले में ग्रेनाइट की दीवारें 16 से 20 फीट मोटी हैं और दक्षिण की ओर शहर की दीवारों से मोटी हैं। किले के दोनों ओर ये विशाल मजबूत दीवारें खाई से घिरी हुई हैं। कभी अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा करने के लिए कई कई दिनों तक 60-60 शेर वजनी तोपों के गोले बरसाए थे, लेकिन किले की दीवारें न हिला सके। पिछले 400 सालों से यह किला आज भी पूरी शान से खड़ा है। यहाँ मराठा शासकों का शासन रहा, लेकिन आज भी यह रानी लक्ष्मीबाई किले के नाम से जाना जाता है। पिता शिवराम भाऊ के बाद गंगाधर राव झांसी के राजा बने। साल 1853 में राव के निधन के बाद लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी। अंग्रेज सेनापति फिरोज जानता था कि सैन्य बल से किले पर कब्जा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दुला सिंह को अपने साथ मिला लिया, जिसने धोखे से किले का दक्षिण गेट खोल दिया। फिरंगी सेना किले में घुसी और लूटपाट, लोगों को मारना शुरू कर दिया। अंग्रेजी सेना के आक्रमण को देख रानी लक्ष्मीबाई खुद उनका मुकाबला करने निकल पड़ी। हालांकि झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में काफी छोटी थी। वह जून 1959 का दिन था, रानी अमर हो गई। उसी कुटिया में उनकी चिता लगाई गई। उनके बेटे दामोदर राव ने मुखाग्नि दी। अब रानी के किले को देख रेख का जिम्मा पुरातत्व विभाग के पास। किले में प्रवेश करने के लिए कुल 10 द्वार हैं, जिनका उपयोग 1857 में किया जाता था और आज भी किया जाता है। किले के भीतर बनी कुछ ऐतिहासिक धरोहरों में शिव मंदिर, गणेश मंदिर और कड़क बालाजी मंदिर शामिल है। किले के आसपास 19वीं शताब्दी में बना रानी महल भी है, जो आज एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बन चुका है। इस महल के अंदर एक युद्ध स्मारक और रानी लक्ष्मीबाई पार्क भी है। इस फोर्ट के ऊपरी हिस्से से झांसी का मनोरम नज़ारा देखते ही बनता है। किले के अंदर कड़क बिजली और रानी की भवानी शंकर तोप भी रखी गई है। झांसी देश के कई प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। वहीं दिल्ली चेन्नई मार्ग पर यह एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। झांसी से 103 किलोमीटर दूर ग्वालियर निकटतम हवाई अड्डा है। पर्यटक किसी भी माध्यम से इस शहर को पहुंच सकते हैं। अक्टूबर से मार्च झांसी घूमने का सबसे अच्छा मौसम है, क्योंकि
यह मौसम सुखद और दर्शनीय स्थलों और बाहरी गतिविधियों के लिए आदर्श रहता है। हर साल जनवरी फरवरी के महीने में महोत्सव के रूप में जाना जाता है, जब कई प्रतिष्ठित हस्तियां और कलाकार अपने नाटक का प्रदर्शन करते हैं। अप्रैल से जून झांसी के लिए गर्मी का मौसम है। झांसी में गर्मी का तापमान आमतौर पर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस होता है। जो लोग छोटे बजट में यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए होटलों पर भारी छूट पाने और उस जगह के भोजन, संस्कृति और इतिहास का अनुभव करने का यह सही समय है। पर्यटक झांसी और आसपास के स्थानों का आनंद ले सकते हैं। झांसी के लिए यह ऑफ सीजन। किले के परिसर में हर शाम एक साउंड एंड लाइट शो आयोजित किया जाता है। यह शो झांसी के इतिहास के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है और भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध 1857 और रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के दौरान हुई घटनाओं को समेटे हुए है। यदि आप झांसी फोर्ट की एंट्री फीस और साउंड एंड लाइटिंग शो की टाइमिंग के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।